हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनावों के लिए टिकट की दौड़ जोरों पर है और टिकट के दावेदार अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी के प्रमुख नेताओं की सभाएं करके अपना शक्ति प्रदर्शन करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के गृह क्षेत्र टौणी देवी में सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा के सुपुत्र प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव अभिषेक राणा को टिकट की दावेदारी को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने हमारा एमपी कैसा हो अभिषेक राणा जैसा हो के नारे लगाए। इस अवसर पर विधायक राजेंद्र राणा भी मौजूद रहे। हमीरपुर के टौणी देवी पहुंचे मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा, तो वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए तैयार है और प्रदेश बीजेपी सरकार का एक साल पूरी तरह निकम्मा रहा है, जिसे लेकर पार्टी जनता के बीच जाकर जागरूक कर रही है। वहीं लोकसभा टिकट के लिए लॉबिंग पर अग्निहोत्री ने कहा कि लॉबिंग का कोई सवाल नहीं है और जब लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी, लेकिन चुनाव मैदान में सशक्त उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। दो मसले हैं, एक तो पार्लियामेंट का लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, दूसरा प्रदेश की सरकार का एक साल पूरा हो चुका है, तो उस नजरिए से जो है जनता के बीच में जाना, सरकार ने काम कैसा किया है उसकी बात करना, केंद्र सरकार का समय समाप्त हो रहा है उसकी बात करना, उस नज़रिए से आज यहां का दौरा है। सर, लोकसभा का चुनाव टिकट की लॉबिंग की जा रही है, तो क्या मानते हैं आप, किस तरह का उम्मीदवार से लगता है? नहीं, टिकट की लॉबिंग का कोई सवाल ही नहीं है, टिकट का फैसला पार्टी हाईकमान को करना है और अभी तक तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। अभी तक चुनाव की जब घोषणा होगी उसके बाद ही इसके बारे में फैसले होंगे, लेकिन जो फील्ड में सबसे सशक्त होगा, जिसने फील्ड में जो है अपना ग्राउंड बनाया होगा, उसी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा। सोलन दौरे के दौरान पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह द्वारा पार्टी युवा कांग्रेस अध्यक्ष पर टिप्पणी किए जाने पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के देश व प्रदेश के सीनियर नेताओं में शुमार हैं और पार्टी को उनके द्वारा कई बार सलाह जरूर दी जाती है, जिस पर पार्टी हाईकमान गंभीर रहती है। देखिए, वीरभद्र सिंह जी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं हिमाचल की राजनीति में। वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा राजनीतिक कद है और 60 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है। हम तो उसमें पैदा भी नहीं हुए थे जब वो सांसद थे, तो उस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 6 दफ़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो जो है पार्टी के प्रधान भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री से लेके अब तक सबको नज़दीकी से देखा है। तो वीरभद्र सिंह जी अपनी राय रखते हैं हर मसले में और उनको हमें सुनना है। वहीं युवा कांग्रेस सचिव एवं टिकट के दावेदार अभिषेक राणा ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तैयारी कर ली है और संसदीय क्षेत्र कांग्रेस जीतेगी। अपनी दावेदारी पर अभिषेक राणा ने कहा कि वह कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं और हर किसी को टिकट मांगने का प्रजातंत्र में हक है। वहीं भाजपा द्वारा नौसिखिया बताए जाने पर अभिषेक ने कहा कि भाजपा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है और असली सर्टिफिकेट हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ही देगी। आज ये मुख्य उद्देश्य ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कमर कस ली है और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जो है यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है और विभिन्न विभिन्न इलाकों से कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ से लोकसभा क्षेत्र से संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का सांसद होगा। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मैं पार्टी का काम कर रहा हूं, लगातार पूरे संसदीय क्षेत्र में घूम रहा हूं, पार्टी का जो आदेश होगा हम वैसा ही काम करेंगे। रही बात दूसरों की, प्रजातंत्र में सबका अधिकार है कि अपनी अपनी बात वो रखें और उनका हम सम्मान करते हैं।
अभिषेक जी बीजेपी का एक बयान आ रहा है कि अभी वो छोटे हैं राजनीति में, तो क्या रहेगा क्योंकि इलेक्शन के लिए आप में काबिलियत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी कि काबिलियत है कि नहीं है, वो संसदीय क्षेत्र की जनता तय करेगी। और जब संविधान ने अधिकार दे दिया है कि 25 साल की उम्र के बाद आप लोकसभा का विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। जी, अगर पार्टी जिम्मेवारी देगी और मौका देगी तो अवश्य ये सीट जो है भारी बहुमत से निकालेगी।